हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। क्वाइट का मतलब होता है एकदम शांत, स्टेबल, जो स्थिर हो। ऐसी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होता है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं मतलब एक दूसरे के साथ कंट्रीज़ के, उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति। तो ऐसी मतलब पॉलिटिक्स या फिर कूटनीति जो कि शांत हो, स्थिर हो, क्वाइट हो, वो क्या कर सकती है, ईज कर सकती है, मतलब आसान कर सकती है, सिंपल कर सकती है, जो साउथ चाइना सी में टेंशन्स चल रहे हैं। तो साउथ चाइना सी आपको पता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये अपना जो है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच का जो है ना, इसको कनेक्ट करता है। इसको कनेक्ट करने में साउथ चाइना सी का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे जहाँ पे सोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी जो है वो डिस्प्यूट होते हैं, काफ़ी झगड़े वगैरह होते हैं, और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में ये रहता है क्योंकि चाइना इसका बहुत सारा एरिया जो है वो क्लेम करता है। तो अगर हम लोग क्वाइट डिप्लोमेसी करेंगे, मतलब शांत डिप्लोमेसी करेंगे, तो उससे साउथ चाइना सी की जो टेंशन्स हैं वो आसान हो सकती हैं, ईजी हो सकती हैं। तो ये इस हाइडिंग का मतलब था। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है, और उसके बाद एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से ज़रूर पढ़ना। उसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो फर्स्ट कमेंट होगा उसको मैं पिन करके रखूँगा, तो वहाँ पे आपको PDF और डेली जो मेरा वीडियो है वो रात को अपलोड होता है। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम अभिलाष है, स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो क्या लिखा हुआ है, दी फॉरन कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस मेट एट दी 5th मीटिंग ऑफ फिलीपींस इंडिया जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन इन न्यू दिल्ली ऑन June 29। तो जो फॉरन मिनिस्टर्स हैं इंडिया के और फिलीपींस के, फिलीपींस आप कंट्री जानते होंगे, ये इंडिया के जो है ना, लगभग लगभग अगर आप मैप के थ्रू, वर्ल्ड मैप के थ्रू देखोगे तो इंडिया के ये ईस्ट साइड में जो है वो कंट्री है। और इंडिया के इसके साथ जो है क्या हुआ, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इंडिया का और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं फिलीपींस का, उन्होंने 5th मीटिंग की, जो इनका एक इंडियन जॉइंट कमीशन है बायलैटरल कोऑपरेशन पे जो काम करता है, दोनों देशों के सहयोग के ऊपर जो काम करता है, उनकी एक मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में June 29 को। कब हुई, June 29 को। बिल्डिंग ऑन द शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ 2 मैरिटाइम एशियन रिपब्लिक्स एंड नियरली 75% ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर एंड सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ द फिलीपींस एंड्रिक मैनोला आउटलाइन द पॉथ फॉर द स्ट्रेंथन बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन मैनीला एंड दिल्ली इन द 21st सेंचुरी। तो मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि शेयर्ड इंटरेस्ट, बिल्डिंग ऑन दी मतलब होता है संबंध होना या फिर बनी होना, किसके ऊपर, जो इनकी जो है शेयर्ड इंटरेस्ट, मतलब एक दूसरे के जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर इनकी जो पार्टनरशिप बनी हुई है। लगभग 75 ईयर्स जो है वो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के पूरे हो चुके हैं, रिलेशन के पूरे हो चुके हैं। तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर और जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है फिलिपाइन के एंड्रिक मैनोलो, उन्होंने आउटलाइन किया, आउटलाइन का मतलब होता है एक नक्शा तैयार करना, एक रूपरेखा तैयार की, एक पाथ तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया, किसके लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जो इन दोनों कंट्रीज़ की बायलैटरल पार्टनरशिप है, किसकी, मैनीला की। मैनीला जो है वो कैपिटल है फिलिपाइन की, और दिल्ली मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। अब हम लोग बात करेंगे साउथ चाइना सी इशू के बारे में। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। The decision to open the resident defense attache office in Manila, boosting cooperation between the coast guards of two countries, acquisition of naval assets by Manila under a concessional line of credit from Delhi. तो सबसे पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि एक डिसीजन कि इंडिया जो है एक रेजिडेंट ऑफिस अटैची ओपन करेगी मैनीला में।
रेजिडेंट मतलब जो हमारा होगा, मतलब जो हमारे देश का होगा, रेजिडेंट का मतलब होता है जो निवासी हो, हमारे देश का हो, और डिफेंस अटैची ऑफिस मतलब जैसे एम्बेसीज वगैरह होती है ना दूसरी कंट्रीज़ में हमारी, वैसे ही हम लोग जो रिटायर्ड एक कोई ऑफिसर होगा वो पर्सन जो है वो इसमें काम करेंगे उसको बोलते हैं डिफेंस अटैची ऑफिस, ठीक है, एम्बेसी की तरह ही होगा ये। तो ये जो डिसीजन है मैनीला में ओपन करने का इंडिया के द्वारा और कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए, किसके लिए, मतलब कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, सहयोग को बढ़ाने के लिए, जो कोस्ट गार्ड है दोनों कंट्रीज़ की, ठीक है, जो समुद्री तट पे काम करती हैं, और एक्विजिशन ऑफ नेवल एसेट्स बाय मैनीला अंडर ए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन वगैरह देती है लेकिन वो कम, मतलब कम इंटरेस्ट पे लोन देती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। और नेवल एसेट्स का नेवल मतलब जो समुद्री नेवी के रिलेटेड जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर करना मैनीला के द्वारा, एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना, और किसके थ्रू, कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट। कंसेशनल का मतलब होता है थोड़ी सी छूट देना किसी चीज़ में, कंसेशन देना। तो दिल्ली मतलब कम दाम पे जो है वो, मतलब कम इंटरेस्ट पे जो है वो लोन दे रही है, इसकी वजह से नेवी के जो एसेट्स हैं जो आपके काम में आ सकते हैं उसको एक्वायर कर रहा है मैनीला फिलिपाइन। और एक्सपेंशन करना, ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेस को बढ़ाना मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब समुद्र के ऊपर जो पानी के रिलेटेड सिक्योरिटी है, और डिज़ास्टर रिस्पॉन्सिस के ऊपर काम करना एक साथ, एंड कमेंसिंग ए मैरीटाइम डायलॉग और सम एग्जांपल्स ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉटिकल पार्टनरशिप। तो इतनी सारी एग्जांपल, मतलब मैरीटाइम पे ये लोग काम कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है सस्ते इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा प्रोवाइड कर रही है फिलिपाइन को, जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जो इवॉल्विंग का मतलब होता है जो चेंज हो रहा है स्ट्रेंथ नॉटिकल पार्टनरशिप का, नॉटिकल मतलब समुद्र के रिलेटेड, पानी के रिलेटेड। तो ये हमें एग्जांपल्स जो, ये इतनी सारी जो एग्जांपल है ना वो हमें बता रही है कि किस तरह से रिलेशन जो है इनका इवॉल्व हो रहा है, मजबूत हो रहा है। उसके बाद क्या है, हाउ एवर द मोस्ट नोटेबल डेवलपमेंट वॉज द एग्रीमेंट ऑन रीजनल एंड मल्टीलैटरल इशूज पर्टिकुलरली ऑन मैरीटाइम हाईवे सच एज साउथ चाइना सी। लेकिन फिर भी जो सबसे नोटेबल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ना वो है रीजनल और मल्टीलैटरल इशूज़ के ऊपर, पर्टिकुलरली मैरीटाइम हाईवेज जैसे कि साउथ चाइना सी। तो मोस्ट नोटेबल डेवलपमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ है रीजनल और मल्टीलैटरल इशूज़ को लेके। रीजनल मतलब जो हमारा रीजन है एशिया का, या फिर आप इंडिया या फिर जो मैरीटाइम यहाँ पर रहती है उस रीज़न की बात कर रहे हैं, और जो मैरीटाइम हाईवेज है साउथ चाइना सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जो एग्रीमेंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। While India reiterated its consistent position on adhering to international laws, including the United Nations Convention on the Law of Sea UNCLOS, its unambiguous call to respect the 2016 arbitral award to on the South China Sea is a departure from India's early position. तो इंडिया ने जो है ना बार बार दोहराया है, रिट्रीटेड का मतलब होता है दोहराया है, और अपनी कंसिस्टेंट मतलब लगातार पोजीशन रखी है ऑन अडीरिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अडीरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, कि वो इंटरनेशनल लॉज का पालन करेगी, इसमें इंक्लूड होगा जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है जो लॉ बनाती है सीज के ऊपर, और इट्स का जो अनएम्बिगस का मतलब होता है क्लियर, इसकी जो क्लियर कॉल है कि वो रिस्पेक्ट करेगी जो 2016 में आर्बिट्रल का मतलब होता है जब संधि होती है ना, तो आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब होता है जो घोषणा हुई थी साउथ चाइना सी के ऊपर। तो इंडिया का ये एक डिपार्चर है, डिपार्चर का मतलब होता है थोड़ा सा मूवमेंट करना, जो इनकी इंडिया की अर्ली पोजिशन थी उससे इंडिया ने थोड़ा सा मूवमेंट किया है और सपोर्ट दिखाई है। From noti to adherence to the 2016 arbitral award is a candid recognition of its legitimacy. तो मतलब सिर्फ नोट करना चीज़ों को और उसके बाद उसको मानना, उसका पालन करना, जो कि 2016 में एक घोषणा हुई थी आर्बिट्रल अवार्ड, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये एक कैंडिड का मतलब होता है क्लियर रिकॉग्निशन है इंडिया की लेजिमिटेसी का, कि किस तरह इंडिया जो है वो कानून को फॉलो करती है। उसके बाद The Philippines had submitted a case of arbitration to the Permanent Court of Arbitration. अब हम उस केस के बारे में बात करेंगे जो 2016 में जो घोषणा हुई थी, अवार्ड का मतलब होता है घोषणा होना। तो फिलिपाइन ने क्या किया था, एक केस सबमिट किया था आर्बिट्रेशन को लेके, किसको, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है संधि करना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट्स विद चाइना, ताकि वो सेटल कर सके जो भी उसके मामले चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स झगड़े चल रहे हैं चाइना के साथ। डिस्पाइट चाइनाज फॉर्मल विदड्रॉल फ्रॉम द आर्बिट्रेशन ऑन February 19, 2013, द प्रोसीडिंग कंटिन्यू एज शेड्यूल्ड अंडर UNCLOS गाइडलाइंस। हालांकि चाइना ने जो है ना फॉर्मली विदड्रॉल कर लिया था, मतलब ऑफिशियली उसने विदड्रॉ कर लिया, जो भी
आर्बिट्रेशन को लेके जो केस चल रहा था February 19, 2013 को, चाइना ने इससे पीछे हट गई, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स थी मतलब जो प्रोसेस चल रही थी वो कंटिन्यूड रही जैसे शेड्यूल हुई थी, जैसे मतलब जो अनक्लॉज की जो गाइडलाइंस है ना उस पर लिखा हुआ है उसी हिसाब से। दी अनक्लॉज अनेक्स सिक्स स्टिपुलेट्स, स्टिपुलेट्स का मतलब होता है बताना, तो जो अनक्लॉज का अनेक्सर है ना सिक्स वो बताता है द अब्सेंस ऑफ ए पार्टी और द फेलियर ऑफ ए पार्टी, फेलियर ऑफ ए पार्टी टू प्रेजेंट इट केस शैल नॉट बी ए बार टू द प्रोसीडिंग्स। तो मतलब उसकी एक क्लास में लिखा हुआ है अनक्लॉज की कि अगर कोई एक पार्टी पीछे हट जाती है कि हमें केस में आगे नहीं बढ़ना है, तब भी जो इसकी प्रोसीडिंग्स है ना वो चलती रहती है, उसमें कोई भी जो है ना बार नहीं आ सकता, मतलब रुकावट नहीं आ सकती उसकी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो केस जो है वो चलता रहा, हालांकि चाइना जो है वो पीछे हट गई थी। दी PCA फाइनली रिलीज दी अवार्ड ऑन July 12, 2016। तो PCA ने जो है जो मतलब डिस्प्यूट को सेटल कर रही थी उसने अपना रिजल्ट घोषित किया 2016 को। दी आर्बिट्रेशन टुक इनटू अकाउंट मैरीटाइम राइट्स, तो ये जो आर्बिट्रेशन हुई मतलब ये जो संधि थी उसने किन चीज़ों को देखा, जो मैरीटाइम राइट्स हैं, जो स्टेटस है पर्टिकुलर मैरीटाइम फीचर्स का, हिस्टोरिकल राइट्स हैं, लेजिमिटेसी है ऑफ पर्टिकुलर चाइनीज एक्शंस इन दी साउथ चाइना सी, मतलब क्या लीगलता है, क्या वैधता है कि जो भी एक्शन ले रही है चाइना साउथ चाइना सी में, जिसको मैनीला जो फिलिपाइन है वो क्लेम करती है कि चाइना जो है वो इलीगली काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें देखी PCA ने। दी ट्रिब्यूनल्स डिसीजन, ट्रिब्यूनल मतलब जो कोर्ट था उसका डिसीजन जो था एक फाइनल एंड बाइंडिंग था इन अकॉर्डेंस विद दी अनक्लॉज आर्टिकल 296, जो 296 आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनका डिसीजन आया। दी PCA डिनाइड्स चाइनाज असर्शन दैट इट हैड हिस्टोरिकल राइट्स इन दी साउथ चाइना सी, तो PCA ने जो थी ना जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी उसने चाइना की उसने मना कर दिया, डिनाई कर दिया जो चाइना की असर्शन है, मतलब जो चाइना का जो आक्रामक रवैया है और चाइना जो चीज़ें क्लेम करती हैं कि उसके हिस्टोरिकल राइट्स हैं साउथ चाइना सी में, इस चीज़ को डिनाई कर दिया कोर्ट ने। एंड अनएनिमस डिसीजन वॉज अनएक्सपेक्टेडली इन दी फिलिपाइंस फेवर, और ये जो एक तरफा मतलब डिसीजन हो गया ये एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था, अनएनिमस का मतलब होता है एक तरफा डिसीजन होना, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और ये फिलिपाइंस के फेवर में चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इट फर्दर स्टेटेड दैट एनी प्रायर क्लेम्स टू रिसोर्सेज सिचुएटेड इनसाइड द 9-line वर अनफाउंडेड, तो इसने और भी हमें ये बताया कि जो पुराने क्लेम्स थे चाइना के रिसोर्सेज के ऊपर जो भी सिचुएटेड करते हैं 9-line के अंदर, 9-line क्या है ना, ये चाइना जो है जिन जगह पे क्लेम करती है चाइना ने उन जगह को 9-lines का जो है वो नाम दिया गया है, तो कोर्ट ने उस चीज़ को भी अनफाउंडेड बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। द ट्रिब्यूनल डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है बताना या फिर किसी चीज़ का पता लगाना, तो ट्रिब्यूनल ने ये चीज़ भी बोली दैट डेवलपमेंट एंड लैंड रिक्लेमेशन हैड फंडामेंटली चेंज द रीफ्स इन कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ अनक्लॉज कमिटमेंट्स, तो ट्रिब्यूनल ने इस चीज़ को भी बताया कि जो डेवलपमेंट है और जो लैंड रिक्लेमेशन है मतलब बार बार क्लेम किया जा रहा है लैंड को, इसने चेंज कर दिया है जो रीफ्स हैं इन अपोजिशन ऑफ अनक्लॉज कमिटमेंट। रीफ्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना जो मतलब आइलैंड जैसे बने होते हैं सी के अंदर, उसको बोलते हैं रीफ्स। तो उसने जो ये जो क्लेम्स है ना बार बार लैंड का सी के ऊपर जो मतलब प्लांट वगैरह जो बनी होती है, जो आइलैंड बने होते हैं, इसने क्या किया है, चेंज कर दिया है जो वहाँ के जो मतलब जो जगह थी जो स्ट्रक्चर थे उसको चेंज कर दिया है इन अपोजिशन टू अनक्लॉज कमिटमेंट, जो मतलब किसके विरोध में, कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब होता है किसी के अपोज में या फिर वायलेशन में, ये जो अनक्लॉज की कमिटमेंट है ना उसको वायलेट कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके अपोजिशन में काम कर रहे हैं। चाइना हैज़ इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है इम्पोज करना, थोपना इरिपेयरेबल हार्म टू द मैरीटाइम एनवायरनमेंट, चाइना ने मतलब इस इरिपेयर मतलब जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, इस तरह का डिस्ट्रक्शन और हार्म किया हुआ है मैरीटाइम एनवायरनमेंट में, इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग एविडेंस ऑफ द नेचुरल कंडीशन ऑफ फीचर्स इन दी साउथ चाइना सी, ठीक है। और उसने जो है ना नेचुरल कंडीशंस जो है उसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है साउथ चाइना सी में, ये इस बात के एविडेंस है। द ट्रिब्यूनल ऑल्सो फाउंड दैट चाइना वायलेटेड द सोवरन राइट्स ऑफ फिलिपाइंस इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है ना, ये जो समुद्र का एरिया होता है किसी कंट्री के बॉर्डर पे, तो ये कुछ एरिया होता है पानी वाला जिसको कोई भी कंट्री जो है जिसमें उसके राइट्स होते हैं, अधिकार होता है उसमें, वो कुछ भी कर सकती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मतलब जो वाटर रिलेटेड जो मतलब टेरिटरी दी जाती है कि समुद्र का ये हिस्सा इस कंट्री के कंट्रोल में है, उसके उसके राइट्स हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ये भी बोला कि चाइना ने वायलेट किया है, उल्लंघन किया है जो सोवरन राइट्स हैं फिलिपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, इंटरफेयरिंग विद फिलिपाइंस फिशिंग एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, चाइना जो है वो इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है चाइना
जो फिलिपाइन की फिशिंग और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है, कंस्ट्रक्टिंग और उसमें आर्टिफिशियल आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करता है, फेलिंग टू स्टॉप चाइनीज़ फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इन दी जोन, और जो मतलब क्या करता है, रोकता नहीं है कि जो चाइना के फिशरमैन हैं उनको वो फिशिंग करते हैं फिलिपाइन की जोन में। इट और उसने ये भी बताया, इट एडिड दैट चाइना हैड रिड्यूस द ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स ऑफ फिलिपाइन फिशरमैन। तो उस कोर्ट ने ये भी बोला, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, कि चाइना ने जो है ना कम कर दिए हैं जो ट्रेडिशनल पुराने पारंपरिक राइट्स होते थे फिलिपाइन फिशरमैन के, एंड दैट बाय फिजिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग फिलिपाइन वेसल्स, और जो फिलिपाइंस के जो वेसल्स हैं जो वहाँ पे शिप्स वगैरह होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको रोकता है। बीजिंग हैड रेज द सीरियस रिस्क ऑफ कोलिजन एट सी। तो बीजिंग ने क्या किया ना, रेज किया है, मतलब उत्पन्न किए हैं सीरियस रिस्क कि कभी भी कोलिजन हो सकता है सी के ऊपर, झगड़ा हो सकता है। फाइनली इट डिटरमाइंड दैट चाइना हैड लो लीगल बेसिस फॉर असर्टिंग हिस्टोरिकल राइट्स टू रिसोर्सेज लोकेटेड विद इन दी से एरियाज अंडर द ट्रिब्यूनल्स जुडिशंस। तो लास्ट में उसने भैया ये कहा कि चाइना के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं है, लीगल बेसिस नहीं है कि वो हिस्टोरिक राइट्स दिखाए अपने रिसोर्सेज पे जो कि लोकेटेड हैं विद इन दी सी एरियाज जो कि ट्रिब्यूनल्स की जुडिशन के अंदर में है। तो उसने सीधे सीधे चाइना के ऊपर जो है वो चाइना के खिलाफ फैसला दिया, मतलब घोषणा की। इट इज़ असेंशियल टू रिमेंबर दैट ट्रिब्यूनल डिड नॉट रूल दैट इट वॉज अनलॉफुल इन प्रिंसिपल फॉर चाइना टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑन द डिस्प्यूटेड आइलैंड दैट इट ऑक्युपाइज। लेकिन हमें इस बात को रिमेंबर करना या फिर याद करना भी जरूरी है कि जो ट्रिब्यूनल था ना उसने डिड नॉट रूल दैट इट वॉज अनलॉफुल, जो भी चाइना ने किया उसने उसको अनलॉफुल नहीं बोला, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि ये अनलॉफुल है इन प्रिंसिपल, इन रूल्स के हिसाब से चाइना के लिए कि वो कंस्ट्रक्शन कर रही है या फिर ऑन दी डिस्प्यूटेड एरियाज़ में जो चाइना ऑक्यूपाई करता है। एंड देयर इज़ नथिंग इन दी डिसीजन विच वुड मेक इट अनलॉफुल फॉर चाइना, और डिसीजन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अनलॉफुल हो चाइना के लिए टू कंस्ट्रक्ट ए मिलिट्री आइलैंड्स, चाहे वो मिलिट्री आइलैंड्स कंस्ट्रक्ट करता है जो चाइना जो उसको ऑक्यूपाई करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था विद द एक्सेप्शन ऑफ मिसचीफ रीफ। लेकिन इसने मिसचीफ रीफ के ऊपर बात की। मिसचीफ रीफ क्या होते हैं ना, ये जो है जो मतलब आइलैंड वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है गलत तरीके से, चाइना ने जो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं साउथ चाइना सी में, तो उसको अगर हम छोड़ दें तो उस डिसीजन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये बताए कि कोई ऐसा रूल बनाए कि चाइना ने जो भी किया है वो अनलॉफुल है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। बट द ट्रिब्यूनल एम्फसाइज दैट द डिस्प्यूट इज ड्राइवन बाय देयर फंडामेंटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेपरेट राइट्स अंडर अनक्लॉज इन द साउथ चाइना सी। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया, इस चीज़ को एम्फसाइज किया कि जो डिस्प्यूट है ना ये किसकी वजह से आया, जो फंडामेंटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, मतलब डिफरेंट तरीके से जो हम चीज़ों को समझते हैं, जो हम लोग अपने सेपरेट राइट मानते हैं अंडर दी अनक्लॉज इन दी साउथ चाइना सी, बट शुड बी डन इन रिस्पॉन्स टू चाइना दैट इज असर्टिव एंड डिसओबोइंग इंटरनेशनल लॉ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं चाइना के रिस्पॉन्स में जो कि असर्टिव है, मतलब अग्रेसिव है, और जो डिसओबे करता है, मतलब जो लॉस हैं उनको नहीं मानता है। एक केस फॉर डायलॉग, हम लोग डायलॉग की बात करेंगे, बातचीत की बात करेंगे। द साउथ चाइना सी इज़ ए क्रूशियल मैरीटाइम गेटवे एंड जंक्शन फॉर शिपिंग बिटवीन दी पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। तो साउथ चाइना सी एक क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट मैरीटाइम गेटवे है, द्वार है, और एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है जो मतलब जहाँ पे स्टॉप हो, ठीक है, तो शिपिंग करने के लिए पैसिफिक और इंडियन ओशन में, मैंने पहले ही बताया, तो ये एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है। एनी कन्फ्रंटेशन इन द साउथ चाइना सी, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइटल ओशन इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजी, विल बी ए डेंजर टू रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो कोई भी अगर कन्फ्रंटेशन होती है, मतलब कोई भी अगर झगड़ा होता है साउथ चाइना सी में, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़ा ओशियन है अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटजी के मामले में बात करें, तो ये एक डेंजर होगा रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। एज फ्री एंड स्टेबल मैरीटाइम कॉमन्स आर क्रूशियल टू ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो फ्री और स्थिर मैरीटाइम जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, इकोनॉमी के लिए। इंडिया एंड मैनी अदर नेशन हैव एन इंटरेस्ट इन सेफगार्डिंग दी बॉर्डर लेन्स दैट पास थ्रू द रीजन। तो इंडिया और बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जिनके कुछ इंटरेस्ट हैं वो सेफगार्ड करें उनके जो बॉर्डर लेन है, मतलब जो रास्ते हैं जो कि उस रीजन से पास करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रीज़न है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द PCA डिक्लेयर्ड इट डिसीजन, द रियलिटी ऑन द ग्राउंड हैज़ नॉट अल्टर्ड। हालांकि PCA ने जो है वो अपना डिसीजन डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो अभी तक अल्टर्ड नहीं हुई है, मतलब चेंज नहीं हुई है, मेकिंग इट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द डिसीजन। और ये मतलब एकदम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है कि
कोई भी डिसीजन लिया जाए बाय रीट्रीटिंग द नीड फॉर ए पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दैट फुली रिस्पेक्ट्स लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड अबाइड्स बाय द रूलिंग इंडिया हैज सेट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट द रीजन वांट्स पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो मतलब रीट्रीटिंग करना मतलब दोहराना एक पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, मतलब एक शांति का कोई प्रस्ताव निकले जो लीगल और डिप्लोमेटिक चैनल्स हो प्रॉपर उसके थ्रू हो और जो अवॉइड करे मतलब फॉलो करे जो रूल्स हैं। इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है कि इंडिया जो है एक पीस चाहता है, शांति चाहता है और रिस्पेक्ट चाहता है इंटरनेशनल लॉज के लिए। देयर इज़ ए रियलाइजेशन दैट द साउथ चाइना सी प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क विच कैन ओनली बी क्रिएटेड थ्रू डायलॉग। तो एक मतलब स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, मतलब एक समझ है कि जो साउथ चाइना सी है ना प्रॉब्लम है ना, उसके लिए एक पॉलिटिकल ढांचे की ज़रूरत है और जिसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ बातचीत के थ्रू। लीडर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ चाइना सी नेशन शुड ट्राई टू फाइंड ए पॉलिटिकल सोल्यूशन थ्रू क्वाइट डिप्लोमेसी। तो जो लीडर हैं साउथ चाइना सी एसोसिएशन के, आपको पता है एशियान जो कंट्रीज़ हैं, उनको कोई एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए क्वाइट डिप्लोमेसी के थ्रू, मतलब शांति के थ्रू। एज द पोटेंशियल फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू शुड थ्रू लीगल मैथड्स इज़ वेरी लो, क्योंकि लीगल मैथड के थ्रू इसका कोई समाधान निकालना बहुत मुश्किल है। द क्रिएशन ऑफ ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स ए लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मोर देन द शोल्डर्स ऑफ एशियन लीडर्स। तो मतलब एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाना, एक ढांचा बनाना और प्रोग्रेस करना, ये सारा कुछ जो है ना, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, एक रूल्स बनाना, ये सारा कुछ एशियन लीडर्स पे डिपेंड करता है। इफ़ द एशियन नेशन बॉन्ड टू कन्वे ए क्रूशियल पॉलिटिकल मैसेज टू चाइना, अगर एशियन जो नेशन है एक मतलब एक कन्वे करना चाहते हैं, मतलब एक पास करना चाहते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैसेज चाइना को, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड अमंग मेंबर्स। तो इसके तो ये जो एशियन नेशन है ना, इनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एशियन नेशन कौन है, कितनी इसकी मेंबर्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एशियन नेशन कौन है, मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ। इंडिया है इसमें, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, और जो भी कंट्रीज़ के नाम हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसने पूरा वीडियो देखा है सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। तो लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली वीडियो लिंक और इसका PDF मिल जाएगा। जय हिंद।